हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक सामल और मेरे पास है सैमसंग का 3322 मॉडल है। देखिए, सैमसंग का 3322 मॉडल है। तो इसमें मेरा था लाइट का प्रॉब्लम था। इसका कीपैड का लाइट जल रहा था लेकिन डिस्प्ले का लाइट नहीं आ रहा था। यह है उसका मॉडल 3322। तो दोस्तों, मेरे केस में क्या हुआ, देखिए मैं आपको बता जा रहा हूँ। मेरा कैसे लाइट आया, मेरे केस में क्या हुआ। मेरे केस में देखिए, ये तो 4 डॉट दिख रहे हैं ना आपको। देखिए 4 पॉइंट दिख रहा है, 1 2 3 4। मेरा लेफ्ट हैंड साइड से, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड से सेकेंड पिन का कंटिन्यूटी नहीं आ रहा था। यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूटी नहीं आ रहा था ये वाला कंपोनेंट से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक जम्फर लेकर कंपोनेंट के इस तरफ एक जम्फर डाल दिया। ओके, यहाँ से लेकर कंपोनेंट का इस तरफ एक जम्फर लगा दिया सेकेंड वाला पिन में। लगाने पर मेरा लाइट का जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो चुका है अभी। तो मैं आपको ऑन करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए, लाइट का प्रॉब्लम अभी पूरा शॉर्ट आउट हो चुका है। ओके दोस्तों, इस वीडियो में आपको इतना ही दिखाना था। ओके, तो मैं आपको ये थोड़ा ऑन होने दीजिए, मैं आपको और एक बार दिखा दे रहा हूँ कहाँ से लेकर कहाँ तक। देखिए, लाइट का प्रॉब्लम पूरा अभी शॉर्ट आउट हो चुका है। तो देखिए, मैं आपको और एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये जो 4 पॉइंट आपको दिख रहा है, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 1 2 3 4, इसका सेकंड वाला पिन से लेकर ये जो कंपोनेंट का राइट हैंड साइड से सेकंड वाला पिन को आपको एक जम्पर लगाना है, ठीक है, ये कंपोनेंट का सेकंड वाला पिन में इस तरफ। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।